SN Live सच सबसे आगे। सिवान में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वृद्ध की मौत, स्वजनों में मचा कोहराम। सिवान के दारूंदा थाना क्षेत्र के धनोती मोड़ स्थित सिवान चमड़ा मुख्य पथ पर उच्च विद्यालय के समीप शुक्रवार की रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक वृद्ध की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्वजनों में कोहराम मच गया। मृतक की पहचान घाना डीह निवासी नबी रसूल अंसारी के रूप में हुई है। बताया जाता है कि घाना डीह निवासी नबी रसूल अंसारी शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे पत्नी की तबीयत खराब होने पर अपनी बाइक से दवा लाने के लिए शेरपुर जा रहे थे। इस दौरान सिवान छपरा मुख्य पथ पर उच्च विद्यालय हड़सर धनोती के समीप सिवान से पचरूकू की ओर जा रही एक अज्ञात की चपेट में आने से घायल हो गए। घटना के बाद चालक अपनी गाड़ी लेकर भागने में सफल रहा। घटना की जानकारी होते ही काफी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर एकत्रित हो गए तथा घटना की सूचना स्वजनों को दी। घटना की सूचना मिलती स्वजन घटना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने घायल की स्थिति गंभीर बताकर PMCH रेफर कर दिया। पटना जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच शव का पोस्टमार्टम करा, स्वजनों को सौंप दिया। इस मामले में मृतक के स्वजन द्वारा अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध थाने में आवेदन दिया गया है। थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रभाकर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बताते चले कि मृतक नबी रसूल अंसारी चार पहिया वाहन चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। उनकी मौत के बाद पत्नी आसमा खातून सहित अन्य स्वजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मृतक को 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियां है। पुत्र बाहर में मजदूरी करता है। घटना की सूचना मिलते ही विधायक कर्णजीत सिंह, ब्रजनंदन सिंह, बबलू सिंह, रणजीत सिंह आदि ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। सिवान से SN लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स